मैं शबीना टीचर और आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए ऐसी कहानी जो आपको ये सिखाती है कि जो आपके पास है उसकी तुलना किसी से कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब जो आपको ऊपर वाले ने सर्वशक्तिमान ने दिया है वो आपके लिए बेहतर है। तो कहानी है तीन दोस्तों की। तीन दोस्त, खरगोश, चूहा और बंदर। तीनों जंगल में मस्त रहते थे। तीनों दोस्त घूमते थे झाड़ियों में, घास में, और बंदर पेड़ पे चढ़कर मीठे मीठे फल तोड़कर देता था चूहा और खरगोश के लिए। तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और तीनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। बंदर यहाँ से वहाँ छलांग मारता था एक पेड़ की डाली से दूसरे पेड़ की डाली पर। चूहा ज़मीन के अंदर बिल बनाता था, बाहर निकलता था। खरगोश बारिश आती थी, ठंड लगती थी, अपना बिल बनाता था, ज़मीन में घुस जाता था। सब अपना अपना मस्त रहते थे। एक बार खरगोश ने देखा बंदर की भी पूंछ लंबी है, चूहे की भी पूंछ लंबी है। तो खरगोश ने सोचा मेरी पूंछ तो बहुत छोटी है। अब यहाँ से खरगोश तुलना करने लगा, वो परेशान रहने लगा, उदास रहने लगा। बंदर और चूहे ने पूछा खरगोश से, अरे दोस्त क्या हुआ, आजकल आप उदास क्यों रहते हो? खरगोश ने कहा, देखो बंदर की पूंछ कितनी लंबी, चूहे की भी पूंछ लंबी, पर मेरी पूंछ तो इतनी छोटी सी है। चूहे ने कहा, पर तुम्हारी पूंछ तो बहुत खूबसूरत है, जब्बर सी, और वो बहुत सुंदर दिखती है। खरगोश ने कहा, नहीं नहीं मुझे ये पूंछ अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारी तरह मेरी पूंछ भी लंबी कर दो। बंदर और चूहे ने कहा, ये कोई बात होती है, कोई पूंछ तुम्हारी कैसे लंबी कर सकता है? उसने कहा, नहीं मुझे तो अपनी पूंछ लंबी करवानी है, मुझे तुम दोनों की तरह अपनी पूंछ लंबी चाहिए, जब मैं झाड़ियों में भागूं वो मेरे पीछे पीछे आए। चूहे ने कहीं से एक रस्सी ली और खरगोश की पूंछ में बांध दी। अब खरगोश उसको देख के उछलता कूदता घूमने लगा। साफ मैदान में, घास के मैदान में खरगोश ने दिन भर खूब उछल कूद मचाई, खूब खेला कूदा और अपनी लंबी सी पूंछ को देख देख कर खुश होने लगा। भागते भागते ये लोग एक झाड़ी के पास से गुजरे। बंदर निकल गया, चूहा भी निकल गया, पर खरगोश की पूंछ तो झाड़ियों में फंस गई। अब फंस गई, वो चिल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि वो पूंछ में जो रस्सी बंधी हुई थी पूंछ उसकी खींचने लगी। वो चिल्लाने लगा। भागता भागता बंदर और चूहा वापस आए। बंदर और चूहे ने पूछा, अब क्या हुआ? उसने कहा, मेरी पूंछ तो अटक गई है और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ झाड़ियों से, मुझे दर्द भी हो रहा है। चूहा तेजी से दौड़ा, चूहे ने फटाफट रस्सी काटी और खरगोश को उस नकली पूंछ से मुक्त कर दिया। आगे जाकर खरगोश बैठ गया। तीनों दोस्त आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब बंदर ने समझाया, देखा जो हमारे पास है हमें उसमें खुश होना चाहिए, कभी किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। तुम्हारी पूंछ सुंदर थी और आज भी तुम्हारी पूंछ सुंदर है। खरगोश अपनी पूंछ देखकर खुश हुआ, उसने सर्वशक्तिमान का शुक्रिया अदा किया और फिर तीनों दोस्त जंगल में वापस पहले की तरह घूमने लगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। हर बच्चे में अपना अपना टैलेंट होता है, अपने टैलेंट को पहचाने और उसी में आगे बढ़े, कभी किसी की नकल नहीं करें। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।